नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग आए हुए हैं धमतरी में। यहाँ पर आप जैसे पीछे देख पा रहे हैं, हम धान की मंडी में आए हुए हैं। यहाँ पर साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट प्रोडक्शन प्रति एकड़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन जो है वह धमतरी में सबसे अधिक देखने को हमें मिलता है। और साथ ही यहाँ पर हम पूरा विजिट करेंगे, आप लोगों को मंडी दिखाएंगे और साथ ही यहाँ पर हम किसान भाइयों से चर्चा करेंगे कि जैसे कि धान में जो है माहो काफ़ी परेशान करता है किसान भाइयों को। यदि किसान भाइयों की फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाती है या फिर उसमें यदि माहो का प्रकोप होता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, उनकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, जिससे कि पैदावार में काफ़ी प्रभावित होता है और धान की जो चमक होती है वो पूरी तरीके से बदल जाती है, मतलब उसमें अच्छी चमक नहीं आ पाती। तो इस तरह से माहो के लिए वो किसान भाई क्या स्प्रे कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल्स में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सर, हमारे सामने किसान भाइयों को परिचय देंगे अपना। मेरा नाम रामशंकर साहू है, ग्राम सरडेवरी का रहने वाला हूँ जी। मैं अभी 10 एकड़ में रियल 11 धान लगाया था जी, उसमें करीबन मेरा 28-29 क्विंटल करीबन आया है एकड़ में, प्रति एकड़ के हिसाब से। प्रति एकड़ के हिसाब से जी। और जैसे कि हम जानते हैं कि माहो जो है काफी परेशानी हो जाता है अगर उसका स्प्रे अगर सही टाइम में ना लिया जाए, और तो उसके लिए आप क्या स्प्रे कर रहे हैं और कितना डोज है उसका और किस तरह से स्प्रे किया जाता है? माहो के लिए मैं डाला था पेक्सालोन डुबांट कंपनी का जी, प्रति एकड़ 95 ml जी। गर्भवत के समय डाला था तो अभी तक के डालने की जरूरत ही नहीं पड़ा जी, पूरा 100% रिजल्ट दिया है जी। पेक्सालोन, और पेक्सालोन एक ऐसा दवा है जो 100% रिजल्ट देता है जी। साथियों, अभी हम मिले रामशंकर जी से जो कि 10 एकड़ में धान की खेती करते हैं और वो भी जो है पेक्सालोन का उपयोग करते हुए आ रहे हैं और साथ ही उससे जो है वह काफी अच्छी पैदावार ले पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ और किसान भाइयों से। किसान भाइयों को अपना परिचय देंगे। देवेश साहू जी, मुजगान धमतरी से। कितने एरिया में जो है धान की खेती कर रहे हैं आप? अभी 7 एकड़ में। 7 एकड़ में जो है, और इसका उपज किस तरह से निकल कर आता है आपका? जो उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अभी आया जी। और इसमें जो है मुख्य समस्या जो माहों को देखने को मिलता है तो उसके लिए क्या स्प्रे कर रहे हैं आप? माहों के लिए डेक्सोलोन आता है, वही हम लोग यूज करते हैं जी। तो अभी जो है मैं जैसे पूरा विजिट किया तो यहाँ पर काफी सारे फार्मर्स उसी का ही नाम ले रहे, तो मतलब किस तरह से है उसका उसका क्या है रिजल्ट ना? बहुत अच्छा है जी। यूज करके देख लिए हैं किसान लोग जी, तो यकीन हो गया, मान के चलो उसके ऊपर भरोसा हो गया है जी। एक नाम चल गया है उसका जी, और काम भी वैसी है उनका उसका जी। तो कितना समय हो गया आपको उसका स्प्रे करते हुए? लगभग 5 साल हो गया होगा। साथियों, जैसे कि यहाँ पर मंडी में वर्क होते हुए हम समझे तो यहाँ पर किसान भाइयों की धान जो है पहले अनलोडिंग होती है, उसके बाद फिर यहाँ के मंडी के बोरे में उसको भरा जाता है, उसके बाद फिर उसके तौल किया जाता है। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं किसान भाइयों के जो धान है वो 40 किलो के एवरेज में पूरा भरा जाता है, उसके बाद फिर उसको जो है वह कंपनियाँ राइस मिल जैसे होती कंपनियाँ वहाँ पर लेकर के जाया जाता है, उसकी बोली की जाती है धान की, तो अलग अलग धान की क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग रेट उनको मिल पाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि किसान भाई ने बताया कि पेक्सालोन के यूज़र्स हैं, उसके बाद फिर उनको यहाँ पर मंडी का सबसे अधिक रेट जो है वो देखने को मिला है। एवरेज जो है यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में अन्य जगहों की तुलना में यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पर किसान भाइयों ने बताया कि लगभग यहाँ पर जो माहों के लिए पेक्सालोन का उपयोग करते हैं, जिसका रिजल्ट उनको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और 4-5 साल हो गया अभी पूरे किसान लगभग उसमें कवर करते हुए आते हैं। तो काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि यहाँ पर जितने भी फार्मर्स हैं वो पेक्सालोन का उपयोग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से उनको रिजल्ट मिल रहा है। तो जल्दी मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर हेल्पफुल लगी और अगर आप लोग पेक्सालोन के बारे में जानते हैं या नहीं जानते उसके बारे में नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताएँ।